पहली बात तो ये कि अगर मैं आपको दिखाऊं इधर आइए, ये चेक करें जरा हालत गाड़ी। आया कुत्ता। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है, ऐसे मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग बॉयज़। इस वक्त शाम के 5 बजने वाले हैं और गाड़ी के यार छोटे मोटे काम है, बहुत ज़रूरी। जब से गाड़ी ली है मोबिलल नहीं चेंज करवाया भैया, 250-300 किलोमीटर मेरा ख्याल है मैं चला चुका हूँ, और मोबिलल वगैरह तेल पानी कुछ भी चेक नहीं करवाया, जो गाड़ी का चेक असूली तौर पर हो जाना चाहिए जब आप नई गाड़ी लेते हो। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग बॉयज़। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो भाई ज़रूरी है यार। मैं देख रहा हूँ 40-45% लोग मुफ्ता लगा रहे हैं वीडियोस पे, यार दिस इज़ रॉन्ग यार। इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियोस एंड इफ़ यू आर एंजॉइंग द माय वीडियोस, तो आपका सब्सक्राइब करना बनता है। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इंस्टा पे आप भाई को फॉलो भी कर सकते हो। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, इग्नोर करो उसको फिलहाल, तो क्योंकि मैं अभी इग्नोर ही कर रहा हूँ। आ रही है आवाज, तो किस चीज़ की है? अच्छा भैया, अभी हम आए हैं रियान भाई के पास। रियान भाई का अगर आपके साथ तारुफ नहीं है बल्कि होगा यार, ये मेरे पास इस गाड़ी का रिव्यू मैंने इसकी गाड़ी का किया था जब अराउंड मेरे 25,000 या 30,000 सब्सक्राइबर्स थे। इसकी क्रेसेडा का रिव्यू किया था, माशाल्लाह काफ़ी बम्बू गाड़ी है इसकी। उसके बाद इसकी बीमर का रिव्यू किया था जो कि अभी वर्कशॉप में खड़ी है इसकी, और अभी मैं इसको गाड़ी दिखाने आया हूँ। मैंने कहा यार लेट्स गो ऑन अ ड्राइव, गाड़ी चलाओ चेक करो क्या कहती है, और गाड़ी एक दफ़ा चेक इनसे भी करवा ली है मैंने। काम शाम होने वाले यार, जो होने वाले हैं वो मैं सोच रहा हूँ करवा लूँ, ज़रूरी है। गाड़ी में जो भी किड़किड़ कुड़कुड़ है ना वो सारी ख़त्म हो जानी चाहिए भैया। अब गाड़ी पास है तो उसके ऊपर मैकेनिकल पहले फिट हो, फिर बाकी सारी खूबसूरती वाइज काम करेंगे। अभी ये भी कह रहा था वो बाय TRD का जो स्टिकर लगा है वो उतारो, मैंने कहा भैया उसको छोड़ दो, वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी इसका जो मेन मैकेनिकल काम है वो ज़रूरी है, वो भी कर लेंगे। TRD वाला जो स्टिकर उतारना है बुरा लग रहा है मुझे पता है, लेकिन साथ साथ इनशाला सारे काम होते रहेंगे। और अगर आपको मेरी आज एनर्जी कम लगे तो यार बॉयज़ माजरत के साथ, आपका भाई ना बहुत ज़्यादा रेस्टलेस। हाँ ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे, जिसके ले रहे ये फुल गाड़ी के, तो इसको तो खैर यार आदत है, रेयर व्हील चलाता रहता है गाड़ी। अभी इसका तेल पानी चेंज करवाना या नहीं करवाना ये उधर जाके वापस वर्कशॉप पे पूछते हैं कि यार इसका ऑयल चेंज करवा लिया जाए अभी, क्योंकि काम होना है ना, तो मैं उससे पहले सोच रहा हूँ करवा लूँ या ना करवाऊँ, वो वही बताएंगे कि यार ज़्यादा बेहतर क्या है। फिलहाल गाड़ी वॉश करवाने आया हूँ, मेरे पीछे देख सकते हो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जैसे ही वो निकलेंगी फिर इसकी बारी आएगी, इसको हम अच्छी तरह अंदर से साफ सफाई करवाएंगे। पहले मैं सोचा था इसकी सर्विस करवाएंगे सर्विस, लेकिन काम पे के बाद ही यही दफ़ा करवाऊँगा, अभी फिलहाल वॉश करवा लेते हैं, गाड़ी बहुत गंदी है। बॉयज ये जो ग्रिप है, ये ग्रिप है इसकी सीट बेल्ट का जो कि हमने अभी उतारा था। ये क्यों उतारा था यार मैं बताना भूल गया था, क्योंकि ये एक टूटू गाड़ी थी, इसका ये जो बकल है ना वो ख़राब है। तो एक भाई कह रहे थे कि यार ये आप सेफ्टी जो है वो आपको प्रमोट करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो बॉयज़ कोई वजह थी तो मैंने ये उतरवाया ना, वरना मुझे भी पता है कि यार सेफ्टी ज़रूरी होती है, सबसे पहली चीज़ सेफ्टी होती है जो कि मैं प्रमोट करता हूँ। अच्छा ये ग्रिप उतारा इसलिए क्योंकि बकल जो है वो ख़राब है इसका, उसके अंदर सीट बेल्ट नहीं लगती, तो वो जब हम बकल ठीक करवा लेंगे तो ये ग्रिप भी लगवा लेंगे। वो जो टू टू है ना यार, वो फिर व्लॉग में आती है, वो बड़ी गंदी लगती है और वो बड़ी इरिटेट करती है वो आवाज़, इसलिए ये मैंने ग्रिप उतरवाया था। लो भैया गाड़ी धुल गई है और बड़ी पप्पू बन गई है बाहर से तो, और अंदर से भी साफ़ सुथरी हो गई है। बस मैकेनिकल भी अगर ओके होती तो मैं तो कहता यहाँ पर हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होता, अंदर से खुशबू भी आ रही है, इन्होंने कोई पॉलिश वॉलिश मारी है, मज़ेदार हो गई है गाड़ी। गाड़ी तो वॉश हो चुकी थी लेकिन मेरी तबीयत बहुत नासाज हो गई थी, तो अभी जो है ना गले में इतनी कुछ शदीद पेन है कुछ 3-4 दिनों से, और ये जो गले की दर्द है ना ये बदल जाती है बुखार में। ऐसे ही अली भाई? जी बिल्कुल ऐसे ही, मैं डॉक्टर हूँ। तो अभी चलते हैं और हॉस्पिटल लेते हैं थोड़ी बहुत मेडिसिन, क्योंकि यार देखो अगर तो मैंने मेडिसिन ना ली और ये जो गले का दर्द है ये बुखार में बदल गया, ब्लॉग्स नहीं आएंगे, फिर आप लोग मुझे बोलोगे। अभी मुझे भी होता है कि यार जब भी अनप्रोडक्टिव दिन गुजरे ना और मैं किसी दिन व्लॉग ना बनाऊं या कोई काम ना करूं, वेला सारा दिन गुजारूं, इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अली भाई आपके साथ ऐसा होता है? हाँ कभी कभी होता है, लेकिन अब जब
ज्यादा हो तो छुट्टी करने को दिल करता है। बात तो सच है, छुट्टी तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा था करने को, लेकिन काम इतना ज्यादा है कि यार ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। बारकैक्स जब तक ओके नहीं ना हो जाती मैं मेंटली सुकून में नहीं आऊंगा। ब्यूटिफिकेशन में कोई रोला ही नहीं है यार, वो तो इतनी कोई टेंशन नहीं होती। मेन मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल गाड़ी ओके। हाँ मैंने बल्कि आपको ये भी बताना है कि यार गाड़ी में मसले क्या है। अभी जाते हैं हॉस्पिटल, पहले दवाई लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि गाड़ी के अंदर क्या क्या काम है जो कि मुझे परेशान भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ये तीनों टैबलेट्स लेनी है? हाँ ठीक है। और ये तीनों रात को जिस टाइम भी ले लो, मतलब रात को मैं ये तो रात को लेना ना, सारली फ्लॉक से रात को रात को ही लेना ठीक। और ये सिर्फ थैंक यू। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दे दी है और अभी दवाई लेनी है हमने। दवाई यहीं से रहे, उधर से भी मिल रही थी लेकिन रश बहुत था, हमने कहा यार बाहर निकल के बाइट से ले लेंगे। खैर अभी बातों की बात ये है कि अब मैंने आपको बताना है कि ये जो मेरी मार्केक्स है ये मुझे कितना सता रही है और इसने अभी और कितना मुझे सताना है, क्या क्या इसके मसले हैं जो कि हमने ठीक करवाने हैं, तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। पहली बात ये कि ये सब बातें आपको बताने का मकसद है कि आप लोगों को पता होगी यार अभी क्या इसकी हालत है, ताकि बाद में जब इंशाल्लाह ये जब ठीक हो जाएगी, अच्छी चलेगी, पप्पू मार्केट्स बन जाएगी, तब जो है इसकी आप जब वीडियोस देखोगे तब आप कहोगे कि यार ये क्या हालत थी गाड़ी की और इसने अपसेट कर ली है। सेकेंडली मेरे अपने लिए ये मेमरीज हैं कि यार मैंने किस तरह रखी हुई, पहले कितनी किस हालत में मैंने परचेज की थी और अब किस हालत में ये गाड़ी है, मेरे अपने मेमरीज है। थर्ड बात ये कि अगर आप लोगों को भी इस तरह इस गाड़ी का शौक है या इस तरह की गाड़ी का शौक है और आप मेरे ब्लॉग से इतना तो सीख ही जाओगे कि यार अच्छा मैं अगर ये गाड़ी लेता हूँ और ये एक मसला भी इन सब मसलों में से निकालती है तो अच्छा इतना खर्चा हो जाएगा, इतनी ज़लालत काटनी पड़ेगी, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होगे। ये चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि मार्केक्स में इशूज़ क्या हैं। अच्छा बॉयज अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर मसले क्या हैं। पहली बात तो ये कि अगर मैं आपको दिखाऊं इधर आइए, ये चेक करें जरा हालत गाड़ी कितनी नाजुक हालत है, मट्टी कट्टा है ते ओ सारा गंद मचिया पे गड्डी देते। इंशाल्लाह हम ये सब चीज़ें ठीक करवाएंगे। अच्छा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो इंजन की जो टैपेट कवर का जो जैन है वो लीक है, उसके अंदर लीकेज है जिसकी वजह से ये सारा आपको गंद नज़र आ रहा है। उसके अलावा मेन इसकी मेंटेनेंस जो गाड़ी की होती है, उस सब के अलावा गाड़ी की जो डिफरेंट पुलीज होती हैं जैसे कि एडजस्टर बेयरिंग, उसके अलावा जितनी भी पुलीज हैं, जब गाड़ी के ऊपर लोड पड़ता है ना बेसिकली, तो वो पुली कोई एक बहुत गंदी किस्म की आवाज़ करती है, मैं अभी आपको सुनाता हूँ। तो भैया ये है वो आवाज़ जो बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है और ये हमने एज़ सून एज़ पॉसिबल ठीक करानी है। ये सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी पे जिसको हमने ठीक करवाना है। लीकेज है जो मैंने बता दिया आपको, मेंटेनेंस है, प्लग्स चेक होंगे और इसकी ट्यूनिंग होगी, सारी जो मेन चीज़ होती है। फिर आ जाती हैं ब्रेक्स इतनी मज़े की नहीं है, ब्रेक लगाते हैं तो लगता है जैसे मैं इंडस की ब्रेक है वैसी इसकी ब्रेक है, तो भैया इतना फ़र्क है तो इसकी ब्रेक्स भी अच्छी होने वाली हैं। अब वो आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या चेंज होने वाला है, लेकिन हो सकता है छोटा मसला हो सकता है इसके ब्रेक पैड्स जो हैं वो नए डले। और एक और बात कि हमने इसका मोबाइल नहीं चेंज करवाया अभी तक, तेल पानी चेक नहीं करवाया, कूलेंट चेक नहीं करवाया। इस गाड़ी के अंदर पता नहीं कूलेंट है भी या नहीं है, मैं तो उसका पानी पूरा कर रहा हूं। मैंने रेडिएटर की सफाई करवाई थी 2-3 दिन पहले जब मैंने एसी का काम करवाया था, तो इसके अंदर कूलेंट भी डलने वाला है। बैटरी बहुत बुरी हालत में है, बैटरी भी चेंज होगी प्रोबेबली, अगर तो चल जाएगी तो ठीक है, अगर चेंज होने वाली हुई तो हम ये बैटरी भी इसकी चेंज करवा देंगे। बाकी ये गंद इतना ज़्यादा है कि मतलब इंजन बहुत गंदा लगता है, ये सारी सफाइयाँ हो जाएंगी ना एकदम, वो देखो लीकेज कितनी ज़्यादा है। ऊपर मोबाइल मेरा ख्याल है जमा पड़ा है, वो इतना बुरा लग रहा है कि जिसकी वो हद नहीं है। अच्छा एक और चीज़, सस्पेंशन में कोई बुश होगा ढीला और वो चेंज होने वाला होगा। अच्छा वीडियो में जो आपको दिखाई दे रहा है गाड़ी का एक्सटीरियर फुल पैक है, सारा साफ सुथरा है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें एक्सटीरियर में कुछ करने की, लेकिन जैसे हम क्लोज लुक देते हैं ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं दिस नीड्स टू बी शावर्ड। और एक यहाँ पे करके ना ये चीज़ हल्का सा इधर जो है ना, या तो कलम लगवाएंगे या इसको भी हम देखेंगे जो बेहतर लगेगा हम वो करवा लेंगे। लाइट्स की बात करें तो ये लाइट्स बड़ी फीकी पड़ी हुई हैं, हो सकता है हम इन्हीं को खोल के साफ करवाएं या फिर हम लाइट्स चेंज कर लें। टेल लाइट्स इसका गुजारा करवा देती हैं, लेकिन अगर ये खुल के साफ हो जाए, ये साफ है लेकिन ये जो है ना थोड़ी सी मैली मैली सी लगती है, तो हो सके देखेंगे कि इनको साफ करवाना है या हमने चेंज करनी है। वैसे तो मुझे एक टेल लाइट पसंद आई हुई है जो लावा टेल लाइट जिसे कहते हैं और वो बड़ी प्यारी लगती है, तो हो सकता है हम वो भी इसके अंदर लगाएं। अच्छा एक्सटीरियर में आपको मैंने सारा कुछ बता दिया, ये शीशा भूल गया था, ये शीशा नजर वटू है, इसको छोड़ देते हैं। उस सबके अलावा इंटीरियर में कोई खास चीज़ नहीं है। जो एयर वेंट्स है ना दो, मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये वाला एयर वेंट और एक वो वाला एयर वेंट, ये दोनों जो एयर वेंट्स हैं इनकी, ये जो ये वाली इनको एडजस्ट करने वाली होती है ना, ये खराब हो गई हैं, ये टूट गई हैं, हो सकता है ये रिपेयर होती हूँ, आई एम नॉट श्योर। एक और चीज़ है
इसकी शावर बोतल जो है वो इस गाड़ी के अंदर है ही नहीं। उस दिन मैं लेने लगा था जिस दिन बिलालगंज गया था, लेकिन फिर उस दिन बजट नहीं बन रहा था, मैंने कहा फिलहाल फोकस हम इसके एसी पे कर लेते हैं, बाकी बातें बात की। अच्छा बॉयज, ये तो वो चीज़ें होगी जो कि गाड़ी के अंदर बिल्कुल ओके होनी चाहिए। ये वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो हमने इसकी मेनली मेजरली फर्स्ट प्रायोरिटी पे ठीक करवानी है। उसके बाद आएगा ब्यूटिफिकेशन का सेगमेंट जो कि जिसमें मेरा ख्याल है अच्छा भला टाइम लग जाएगा। ये जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इसमें ही मेरा हैवी अच्छा भला खर्चा हो जाएगा। एक एसी पे यार इतना हैवी किस्म का खर्चा हो गया, तो अब खुद सोच लो कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस पर कितना होगा, और फिर ब्यूटिफिकेशन पे तो भाई अच्छे भले पैसे लग जाएंगे। अभी के लिए इतना ही है, इन चीज़ों को पहले हम ठीक करवा लें फिर हम इसकी ब्यूटिफिकेशन पे आएंगे। और आया कुत्ता वो दे भाई, आपको डर नहीं लगता? ये आया अली भाई आ जाए गाड़ी भाई, वैसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे भाई। कुत्ते हैं कुत्ते होते हैं, उनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते आप। इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह ब्यूटिफिकेशन के काम पे भी हम जल्द आएंगे। अभी फिलहाल आपके भाई के तोते उड़े पड़े हैं क्योंकि कुत्ते बहुत ही वैशी थे, और अगर वो खुदा नास्ता सीधा मेरे ऊपर आ रहे तो मैं तो भाई गाड़ी की छत पे छलांग मार लेनी थी। खैर बॉयज, इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। यार तबीयत बहुत डाउन चल रही है, दुआ करें तबीयत ठीक हो जाए, वरना मुझे सैडली ब्रेक लेनी पड़ेगी, जो कि मैं नहीं चाह रहा मैं ब्रेक लूँ। मैं इसको एज सून एज पॉसिबल इस मार्केट्स को पप्पू मार्केट्स बनाना चाहता हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो बहुत जरूरी है। और ये किसी की लालो का बेड़ा करके हुआ पड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे से ही ऐसी है, ओ आगे से ही ऐसी है, और पीछे से ही ऐसी है। This is, I guess, female Lalo. भाई ये तो पूरा डिफेंस जो है ब्लैक आउट हुआ पड़ा है लोड शेडिंग की वजह से। पक्की बात है ठीक बन रही होगी ना, लास्ट टाइम तूने सत्यानाश कर दिया था, तुम्हारा अपना बाजू आ रहा था वीडियो के अंदर। ओके बॉयज, डॉक्टर ने सब्सक्रिप्शन दे दी है। उसके अलावा लेट मी थिंक, हाँ उनका कोई यार बुश का टूटा होगा। हाफ सेल्फ स्टार्ट, तो वाला क्या कॉन्सेप्ट था यार? मुझे क्या पता यार, वो भाई आपको क्या पता यार, कभी भी काट सकते हैं, इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कुत्ते आखिर कुत्ते होते हैं, और मैं 14 इंजेक्शन अपने पेट में नहीं लगवाना चाहता, इसीलिए एहतियात जरूरी है।